नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लैग लंचिंग सेल के बारे में। हमने पिछली दो वीडियो में वोल्टेज सेल और डैगन सेल के बारे में बात की थी, आज करेंगे लैग लंचिंग सेल के बारे में बात। लैग लंचिंग सेल में क्या है, वोल्टेज और डैगन सेल में MnO2 भरा रहता है। वोल्टेक व डेनियम सेल में क्या था, H2SO4 था। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, H2SO4 था। लेकिन लैग लंचिंग सेल में क्या है, ये H2SO4 नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की जगह NH4Cl प्रयोग किया जाता है। NH4Cl ये किसका कार्य करता है, इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रोड लैग लंचिंग सेल के अंदर इलेक्ट्रोड किस चीज के होते हैं, कार्बन व जस्ता। इसमें कार्बन नहीं आ गया। वोल्टेज सेल और डैगन सेल के अंदर यहां क्या था, तांबा था। लेकिन लैग लंचिंग सेल के अंदर क्या है, कार्बन है, तांबे को हटा दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट का कार्य NH4Cl कर रहा है, इलेक्ट्रोड का कार्य है कार्बन व जस्ता कर रहा है। कार्बन क्या है, एनोड। कार्बन इसमें एनोड है, पॉजिटिव का कार्य कर रहा है, जस्ता कैथोड है जो नेगेटिव का कार्य कर रहा है। अब इसके अंदर क्या भरा जाता है, MnO2 मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ये चूर्ण कर दिया जाता है। अभी इसके अंदर MnO2 मैंगनीज डाई चूर्ण कर दिया जाता है। और ये डैगन सेल में भी MnO2 भरा था। अब इसमें मोटी मोटी बात होगी, इसमें H2SO4 की जगह NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया है। इलेक्ट्रोड कार्बन में जस्ता यूज किया है। कार्बन एनोड का कार्य कर रहा है, जस्ता कैथोड का कार्य कर रहा है। ये MnO2 क्यों भरा है, MnO2 इसको ध्रुवा चछादन दोष को दूर करने के लिए MnO2 का यूज किया जाता है। और इसको एक कांच का सरंध पात्र लिया जाता है, इसमें एक कांच का बेलनाकार या बेलनाकार पात्र लिया गया है, उसके अंदर कार्बन की छड़ और जस्ते की छड़ लगाई गई है। अब इसमें भी दोष कितने हैं, दो प्रकार के दोष हैं। स्थानीय दोष और ध्रुवा चछादन दोष। स्थानीय दोष में क्या किया जाता है कि जस्ते की छड़ को पारे की परत चढ़ा दी जाती है। जस्ते पर पारे की पर चढ़ा जाती है, इसको बोलते हैं अगलमेशन। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, अगलमेशन। इस क्रिया को अगलमेशन बोलते हैं। ठीक है, और ध्रुवा चछादन के लिए क्या किया जाता है, MnO2 डाल दिया जाता है। अब ये क्या करेगा, MnO2 क्या करेगा, हाइड्रोजन के जो बुलबुले उठते हैं उसको पानी में चेंज करेगा।
MnO2 को, MnO2 का कार्य है हाइड्रोजन के बुलबुले उठ रहे हैं, हाइड्रोजन के बुलबुलों को पानी में परिवर्तित कर देता है, पानी में परिवर्तित कर देता है, जिससे क्या है जो तांबे की छड़ है वो जस्ते की छड़ है, वो या कार्बन की छड़ है या जस्ते की छड़ है, उसमें क्या होता है बुलबुले उठते हैं, वो उठने नहीं देता, ऐसा अलग नहीं होने देता। अब लैग्रांजी सेल हो के वो विद्युत वाहक बल आवरण है, लैग्रांजी सेल को विद्युत वाहक बल एक पॉइंट चार छह, विद्युत वाहक बल कितना है एक पॉइंट चार छह, और आंतरिक प्रतिरोध एक ओम से पांच ओम, इलेक्ट्रॉन की सेल को विद्युत वाहक बल हो गयो और आंतरिक प्रतिरोध हो गयो। अब एक अंदर आपका MnO2 की बात करी, MnO2 मैग्नीज डाई ऑक्साइड, जो चूर्ण के क्रय अभी बताया था ना, यानी जिसका बुलबुला होता है वाले पानी के अंदर चेंज कर दिए, और हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन साथ है संपर्क हवा संपर्क में ले गए, बुलबुला जगह पानी बने पानी में पांच ओके में कर दिए MnO2 में चेंज कर दिया, यानी ओके कर दिया बुलबुला ने MnO2 बुलबुलों को पानी में परिवर्तित करता है। अब पानी वापस MnO2 के अंदर क्यों हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो हवा में ले गए, वापिस MnO2 में चेंज कर दिया, आप प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आपको पढ़ लिया है अंदर क्यों हो गया, देखो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड कार्बन में तंबाकू, कार्बन में सॉरी जस्ता का, कार्बन में जस्ता हो गया इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोलाइट हो गया NH और Cl। अभी हम अपने बनाते हैं सेल बनाते हैं, ब्लैक लांची सेल क्या है, कार्बन की छड़, कार्बन की छड़ पॉजिटिव, ये क्या है जस्ते की छड़, जस्ते की छड़ नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव एनोड कैथोड। यहां क्या बन गया MnO,
MnO2। यहां पर दिया H2SO4, सॉरी NH4Cl, NH4Cl। ये कांच का पत्र, ये कांच का पत्र हो गया। इसके अंदर NH4Cl डाल दिया है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड हो गया कार्बन की छड़ जो एनोड है, और ये हो गया जस्ते की छड़ जो कैथोड। ये था भी अपना लेट लांची सेल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे शुष्क सेल की, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी हमने डेनियम सेल की, उससे पहले वाली बनाई थी वोल्टेक सेल की, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो आप लिंक से देख लें। धन्यवाद।